अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन काजिम और हमें पाकिस्तानी ड्रामों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे ड्रामों को देखिएगा ड्रामा सेंट्रल पे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। ये कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। मुझे जान से मारेगा तो दो टके का मुलाजिम, तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब बोल, बोल। साहब का नमक खाया गोली से नहीं डरता, और बाजी मेरी बहनों जैसी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नूर बीबी। जी बीबी। निम्रा कहाँ है? अस्पताल चली गई। नाश्ता किया था उसने? मैंने पूछा था, कहने लगी मैं वहीं कर लूंगी। तो मेरी आंख ही नहीं खुली, अलार्म ही लगा लेती, पता नहीं कुछ खाया भी होगा कि नहीं। किसका जिक्र हो रहा है भाई? निम्रा नाश्ते के बगैर चली गई। भाई वाह नूर बीबी, एक बात तो माननी पड़ेगी, सूरज अगर मगरिब से निकलकर मशरक में गुरूब हो तब भी बात निम्रा की ही होगी। मैडम इस घर में और लोग भी बसते हैं, जरा सी तवज्जो अगर उनको भी दे देंगी तो अच्छा हो जाएगा। नूर बीबी बना रही है आपका नाश्ता। अच्छा सुनो, वो अम्मी को तुमने बैठी की आदत डाल दी थी, बहुत गुस्से में बैठी है, आज उनको शायद मिली नहीं है। मैं बना देती हूँ, भूल गई थी। नूर बीबी आप मुझे नाश्ता दीजिए। ठीक। अब बच्चे अगर इस वक्त मैं चाय पीऊंगी तो नाश्ता किस वक्त करूंगी? सॉरी याद नहीं रहा। तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर रहेगा, हमारा तो बस अल्लाह ही हाफिज है, इसका मतलब आइंदा ऐसा नहीं होगा। निम्रा कहाँ है? हॉस्पिटल चली गई। अकेली? मजाल है जिस लड़की को भाई जरा सा कोई खौफ हो, कोई डर हो, फिर कोई मसला खड़ा हो गया तो? नहीं, वो अब्दुल गाड़ी दे गया था, उसी में गई है। चलो ये भी अच्छा है, किसी को निम्रा की ड्राइवरी नहीं करनी पड़ेगी, वरना कौन ढोए ढोए फिरता भाई। मकान का क्या किया? फैसल से कहा है वो रेंट पर दे दो। आखिर हुआ को वो ही ना जो मैं पहले दिन से कह रही थी, मुर्गी की एक टांग पहले एक जिद लगा कर रखी हुई थी। अच्छा है, अब घर से जो भी रकम आए उसको संभाल कर अलहदा कर करके रखती रहना, तुम्हें तो बचत की जरा भी आदत नहीं। आखिर को इसकी शादी भी करनी है एक दिन, मेरे लड़के क्या क्या करेंगे भाई, बड़ा बोझ होता है। एक और बात मैं कहना चाह रही थी, तुम बुरा मत मानना, देखो तुम्हारे और निम्रा के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। निम्रा के मिजाज में तुम्हारी तरह ठहराव बिल्कुल भी नहीं। उसको समझाना कि ये जवान लड़कों का घर है, समझ बूझ के साथ संभल कर रहे वो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा। जी। देखो मैं इस घर की बड़ी, मेरा काम है वक्त से पहले हर बात के लिए तुमको आगाही देना, मैंने समझा दिया। चाय ले ले। अब क्या ठंडी चाय पिलाओगी? तो ऐसा करो नाश्ता ही करा दो। ठीक। हाल नहीं लड़कियों का, चाय के वक्त नाश्ता, नाश्ते के वक्त खाना, खाने के वक्त पता नहीं क्या क्या, भला भला भला। क्या बताऊं हकीम साहब, हम तो बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बचे हैं। मैं तो यहाँ था ही नहीं, हमने
इसलिए तमाम बातों से लाइन रहा। फुरकान साहब ऐसे बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाँ, बस काश ये नेक इंसान अपनी दूसरी बेटी के फर्ज से भी अदा हो जाते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल गए हैं। यकीन माने हमारी तो रातों की नींदें भी उड़ गई। क्यों फिक्र करती है, अल्लाह खैर करेगा। बस मुझे डर लगता है कहीं मुंह इसका झुकाव उसकी तरफ ना हो जाए। आप ही तो कहते हैं ना, एक घर की दो लड़कियां नहीं लेनी चाहिए। वो तो ठीक है अपनी जगह सारी बातें, लेकिन अगर बड़ी बहू अच्छी निकले तो छोटी। ना ना हकीम साहब, ये नवाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नवाल सादा मिजाज, कम कोप, और ये बहुत तेज है। मुझे दूसरी बहू भी बिल्कुल उस जैसी चाहिए। मुझे तो डर है कि सादा दिन रही ना तो नवाल को भी सिखा पढ़ा देगी। आप ऐसा करें, आप इसके लिए कोई लड़का देखें अच्छा सा। अब वो डॉक्टर है तो लड़का भी डॉक्टर ही चाहेगी। जी मैं देखता। हकीम साहब, हम इसके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखें। सादा सा खानदान हो, भले ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन घरदारी में माहिर हो। जी वैसे निम्रा बेटी कहाँ है? अल्लाह का शुक्र, सारा दिन अस्पताल में गुजर जाता है। वैसे भी मेरा तो सामना कम ही होता है। उस लड़की का मिजाज भी भाई बहुत मुख्तलिफ है, उसका दिल तो घर में लगता ही नहीं। मेरे जाने में सिर्फ एक महीना रह गया। मैं तुम्हारे साथ कुछ खुशगवार यादों को जमा करना चाहती हूँ। फिर मिसेस सरफराज बनने के बाद तो ठीक है। ओके, थैंक यू एंड आई एम वेटिंग। नूर बीबी। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? निंद्रा की गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, किसके साथ गई है? साहब के साथ गई है। अच्छा, फैसल के साथ गई है? जी नहीं, मुइस साहब के साथ गई है। मुइस? हेलो। नहीं नहीं, मैं तो घर आ गई हूँ। आप ऐसा करें कि आप डॉक्टर आयशा से बात करना। जी ओके, थैंक यू। निम्रा, फ्रेश हो गई तुम? हाँ। तो चलो खाना खाते। नहीं, मैंने बाहर से खा लिया था। कि तुम तो बाहर से खाना नहीं खाती। तब भी खाना पड़ जाता था। और अब? भी खाना पड़ जाता। ऐसे तो मत कहो निम्रा, तुम्हारा भी घर है, इस तरह अजनबी बन के मत रहो यहाँ। नहीं नवाल, ये मेरा घर नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कुछ स्पेशल खाना है? मैं बना दूंगी। नहीं, मैं बस अब थोड़ा आराम करूंगी। अच्छा, फ्रूट्स लोगी? नहीं नवाल। ठीक है, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। भाभी आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं? भाभी अगर आपको रोना ही है ना तो फैसल भाई का कंधा बिल्कुल सही रहेगा। मैं जिसके लिए रो रही हूँ ना, जो उसके लिए फैसल का कंधा नहीं चाहिए। मुइस प्लीज, ये मजाक की बात नहीं है।
मैं निम्रा के लिए वाकई में बहुत परेशान हूँ। क्यों? तुमने देखा नहीं वो अपने साथ क्या करी है? स्टडीज, हॉस्पिटल का काम, अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रही, अपने आप को थका रही है वो। इस घर में यूं रह रही है जैसे इस घर का हिस्सा ही ना हो, और तुमने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं सिर्फ उसे वक्त देना चाहता हूँ। इन हालात में निम्रा को उसके हाल पर छोड़ देना ठीक नहीं है, उसे जहनी सहारा चाहिए। वो सहारा जो मैं एक बहन होकर उसे नहीं दे पाऊंगी, वो तुम दे सकते हो। शायद अब ठीक कह रही, पर डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। मुझे यकीन है मुझ। आज आप जल्दी आएंगे? क्यों भाई? ऐसे हर रोज आप देर से आते हैं ना, और खाना भी बाहर खाते हैं। अब खास वजह नहीं है इसकी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बहन की दिलजोई में मसरूफ होती हो और मुझे कहां मिस करती होगी। तो इसीलिए सोचता हूँ थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों को दे दूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जगह कौन ले सकता है? कोई भी नहीं। आप जल्दी आएंगे ना? मैं खाने में कुछ अच्छा बनाऊंगी आज। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें आने से पहले कॉल कर दूंगा, बिना वजह अपने आपको थकाना नहीं। आपके काम करते हुए मैं नहीं थकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आने से पहले कॉल कर दूंगा। ओके, खुदा हाफिज़। सुनो, तुम मेरे साथ जा रही? कहाँ? जहाँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे देर हो रही है। ये समझो तुम्हारी हॉस्पिटल की लीव मंजूर होगी। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे नहीं मानोगे। मोइस, मेरी बात तो सुनो। Try and understand, sir. मैं आज तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जा सकूंगा, मुझे घर जाना। दो चार बार घर से बाहर डिनर कर लिया तो बीवी ने क्लास ले ली क्या? ऐसी बात नहीं है। I'm just kidding यार। लंच करोगे मेरे साथ? नहीं सुनिए मैम। देखो फैसल, मेरे जाने में सिर्फ एक महीना रह गया, मैं तुम्हारे साथ कुछ खुशगवार यादों को जमा करना चाहती हूँ। फिर मिसेस सरफराज बनने के बाद तो ठीक है। Thank you. And I'm waiting. मुझे सोनिया के साथ इतना वक्त नहीं गुजारना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? वो जब भी कहती है मुझसे इनकार नहीं होता। ऐसे क्यों बैठी हो? अच्छा ये बताओ कहाँ जाओगी, कहाँ चले? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। ठीक है, तो फिर जहां मेरी मर्जी होगी वहां चलते हैं, सही है? हाँ। देखो मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करोगी। हम पहले एग्जीबिशन पे जाएंगे, फिर तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे, और उसके बाद एक बेतुकी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है? और कब्रिस्तान लेकर जाओगे? अब्बा की कब्र पर जाओ। देखो निम्रा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम, और
थोड़े वक्त बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता जैसे पहले था। कभी कुछ पहले जैसा नहीं होता, सब कुछ बदल जाता। तुम रोती क्यों नहीं हो? मुझे रोना नहीं आता। बहादुरी इसे नहीं कहते कि आपको रोना नहीं आए, बहादुरी उसे कहते हैं कि आप रोएं, जी भर के रोएं और उसके बाद फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। निम्रा, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कह रही, और सबसे ज्यादा तुम भाभी के साथ गलत कर रही। अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे का गम शेयर करना चाहिए। आई नो तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुमने मांगा नहीं था, मगर इसी का नाम तो जिंदगी है। ये हमारी शर्तों के लिहाज से नहीं चलती। प्लीज इस तरह ना करो, नहीं तो तुम लोगों को अपने से दूर कर लोगी। देखो जिंदगी में कोई एक शख्स तो ऐसा होता है जिसके सामने इंसान अपना दिल खोल कर रख दे, जिसके सामने वो खुलकर रो सके। नूर बीबी। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? निंद्रा की गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, किसके साथ गई है? साहब के साथ गई है। अच्छा, फैसल के साथ गई है? जी नहीं, मोहित साहब के साथ गई है। मोहित? लेकिन मोहित के साथ क्यों गई है वो? ये तो मोहित साहब को ही पता होगा बेगम साहिबा। तुम नहीं जानते हो मोहित, मैंने चंद दिनों में खुद को कितना अकेला और बेबस महसूस किया। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरी कैफियत को नहीं समझा। तुम जो सही मायने में लग रहा है कि अब्बा नहीं, मेरी बहन वो भी मेरे साथ में। तुम उनकी सिचुएशन को समझ कर मिली, उससे की खातिर ही तो थी। लेकिन तुम अब उनको गिल्ट में मुब्तला कर रही हो। मैंने ऐसा कब किया? दोनों बहनों में जो दूरी है वही इस बात का सबूत है। तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है और तुम उन्हें इग्नोर कर रही हो, वो अपना दुख किसे कहेगी? देखो जो कुछ तुमने कहना है, जो लड़ना है, जो झगड़ना है, जो शिकना है, जो शिकायत है, सब कुछ अभी और इसी वक्त कह दो, क्योंकि इसके बाद से मुझे वो पुरानी वाली निम्रा चाहिए, क्योंकि इस स्टूपिड सी निम्रा के साथ मेरा कोई गुजारा नहीं है। इतने से गुस्से से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और गुस्सा करो। गुड गर्ल, चलो किसी अच्छी जगह चलकर लंच करो। जगह पसंद है? पसंद बदलते देर थोड़ी लगती है यार। वाकई? वाकई। ठीक है, इसका मतलब है मुझे मुहतात रहना चाहिए। तुम मुझे पसंद थोड़ी हो, तुम तो मेरी मोहब्बत हो। अच्छा, ये इस वक्त टॉपिक बदलने से कुछ नहीं होगा। मुझे बता, तुम वहां से निकले क्यों? तो गर्लफ्रेंड बन गई थी क्या? हाँ, एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी वहां, गुर गुर कर देख रही थी। नहीं यार, वहां का मुझे क्राउड अच्छा नहीं लगा, कहीं और खाते हैं। Thank you.
क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी। भूख लगी होगी ना? एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ, क्योंकि खाने में भैया भी बहुत टाइम है। आज छुट्टी है ना, सब घर पर ही है, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बन रहा होगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ छुट्टी के दिन भी है तमाम नहीं होता। तो आज करते हैं ना, तुम ऐसा करो, तुम आज रेस्ट करो, खाना मैं बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है निम्रा, मैं कर लूंगी। ये क्या बात हुई नमान, एक तरफ तो मुझे कहती हो कि अपना घर समझ करो, और दूसरी तरफ कुछ करने भी नहीं देती हो। अच्छा बताओ ना, आप चिकन बिरयानी मैं बनाती हूँ, तुम बस मुझे बैठ के बताओ सब कुछ कहाँ पड़ा है, क्या करना है, और मैं बना लूंगी। ठीक है, तो आज हम चिकन बिरयानी नहीं, पालक गोश्त बनाएंगे। I'll try. चलो, there you go. Crossing your limits, Maze. मैं तुम्हें बार बार वॉर्न कर रहा हूं, ये बातें मुझे मत सुनाओ। और अम्मी पर कयामत तो तब भी टूटेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम निम्रा को लेकर पूरे शहर में किस तरह घूमते फिरते हो। मैंने सोचा पूछ लूं, घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है। वैसे अब मैं तुम्हें मिलने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। सोनिया, वैसे तुम बहुत बदल गई हो। वो कैसे? पहले कभी तुम मुझसे नाराज होती थी तो हमेशा मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ता था, लेकिन अब तो तुम कॉल बैक करती हो। वो वक्त गुजर गया फैसल, अब रूठने मनाने के मौसम हमारे दरमियान में है। कल मिलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। तुम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम वाकई बदल गई हो। बदल तो गई हूँ, मगर अब कोई फायदा नहीं। वक्त ने सिखाया भी तो उस वक्त जब सारे नुकसान उठा चुकी थी। एनीवे, अब मैं फोन बंद करती हूँ, तुम्हारे अपने भी कुछ प्लान्स होंगे। आफ्टरऑल छुट्टी का दिन है। नहीं यार, मेरे क्या प्लान्स हैं, कमरे में हूँ, आराम करूंगा। क्यों, नवाल कहाँ है? किचन में होगी। ओह, यानी तुम्हारे मैदे के जरिए दिल तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। Come on, इंतहाई फजूल बात है, मैं नहीं मानता इसे। मुझे भी लगती है, मोहब्बत तो नजर से दिल तक के सफर का नाम है। ये मैदा बीच में कहाँ से आ जाता है? एनीवेज, आज मूवी देखने चले, चाहो तो नवाल को भी साथ ले लो। अब इस हालत में नवाल तो साथ जाएगी नहीं है, अम्मी उसे जाने नहीं देंगी, घर से बाहर निकलने नहीं देती उसे आज। मैं और तुम ही चलते हैं। ओके ओके, बाय। अरे मोइज जनाब, आप कैसे आज हमारे कमरे का रुख कर गए? मैं तो आपका कल से इंतजार कर रहा हूँ, मेरा तो ख्याल था कि आप मेरे पास आएंगे। अच्छा, वो किस लिए? अब वो बात भी मैं आपको याद दिलाऊं? अच्छा वो, आप कम ऑन यार, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसकी क्लैरिफिकेशंस में आकर घर में सबको देता। कजन है मेरी, इत्तेफाकन मिल गई तो हमने इकट्ठे लंच कर लिया। आई होप के ये आपका पहला और आखिरी लंच होगा।
किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें हजार बार कहा है मैंने कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी देना बंद कर दो। नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मैं भाभी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूँ। वो एक बहुत नेक और प्यारी खातून जो आपसे बहुत टूट कर प्यार किया और आपकी बेवफाई उन्हें मार डाली। कोई कयामत नहीं टूट पड़ी। कयामत तो तब आएगी जब अम्मी को मालूम पड़ेगा। अच्छा, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स मींस। मैं तुम्हें बार बार वॉर्न कर रहा हूँ, ये बातें मुझे मत सुनाओ। और अम्मी पर कयामत तो तब भी टूटेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम निमरा को लेकर पूरे शहर में किस तरह घूमते फिरते हो। तब कयामत तुम पर भी टूटेगी और निमरा पर भी। और दुख वो तो तब भी नवाल को मिलेगा ना। वाओ, बिरयानी, वो भी घर की बनी हुई। शुरू करें। जो मजा पुलाव में है ना, वो मजा बिरयानी में कहाँ। पुलाव में एक एक दाने में गोश्त का मजा आता है, खुशबू होती है। ऐसे ही सालन बनाकर और चावलों की तह लगाकर खिचड़ी सी बनाकर रख दी। वालदा, आपकी ये बात सुन के बिरयानी लवर्स खुदकुशी कर लेंगे। अरे हटो, ऐसे ही रिस्का जिया, इससे तो अच्छा था एक सालन बना लेती तुम और चावल साथ उबाल लेती। कम अज कम रोटी खाने वाले पेट भर के तो खाते, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है भाई मैं नहीं खाती ये चावल वावल। आंटी रोटी भी है और मिक्स सब्जी भी है, आप चाहें तो वो खा सकती हैं। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी आज? आज क्या दावत है? छुट्टी के दिन सब मिलकर खाना खाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा। तुमने सोचा कि सारे हफ्ते भर का खाना आज ही बना डालो और खिला डालो। अरे भाई, थोड़ा किफायत शुआरी से चलो, थोड़ा संभाल के खर्च करो। मगर मेरा क्या है, तुम्हारे मियाँ ने कमाना है और तुमने उड़ाना है। संभाल के चलोगी तुम्हारे ही काम आएगा, हम तो समझा सकते हैं, मानो ना मानो तुम्हारा काम। नवाल, तुम आज के बाद प्लीज खाना बनाने से पहले अम्मी से पूछ लिया। उफ़ो, मैं क्या कोई जालिम सास हूँ, अम्मी से पूछ लिया करो। हम तो समझाते हैं, मान लो तो तुम लोगों का ही भला है, ना मानो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना ही नुकसान करोगे। निम्रा, तुम बताओ, तुम्हारी हाउस जॉब कैसी जा रही है हॉस्पिटल? अच्छी जा रही है। कल तुम हॉस्पिटल नहीं गई थी? नहीं नहीं, अस्पताल गई थी ना निम्रा, नवाल ने मुझे बताया था मोइस छोड़कर आया। मुझे कल कब्रिस्तान जाना, इसलिए मोइस मुझे ले गया। ऐसे सारे सामान में गाड़ी दौड़ाएगी, कब्रिस्तान जाने के लिए मेरे मोइस का साथ चाहिए। ये लो गर्मा गर्म चाय। थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, रहने देती। अभी तुम्हारे सास दूध पत्ती और चीनी के लिए तकरीर शुरू कर देंगे। चलो, तुम्हें भी इस घर के माहौल की आदत हो गई। ऐसे तुम ये सब कुछ सारा दिन कैसे सुन लेती हो? ससुराल इसी का नाम है। वैसे वो दिल कितनी बुरी नहीं है, बस उनका जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ डिफरेंट है। और वैसे भाई, वो मुझे आजकल घर में नजर नहीं आते, सारा दिन बाहर ही होते हैं। हालांकि उन्हें अभी तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए।
वो काम में बिजी होते हैं ना। अच्छा तो फिर सास सुबान की कड़वी है, मियाँ बिजी होते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि तुम अपना ख्याल खुद ना रखो। निम्रा तुम तो शुरू ही हो जाती हो। तुमने अपना लास्ट चेकअप कब करवाया था और कौन सी दवाई खा रही हो, दिखाओ मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी शक्ल पे ना साफ साफ लिखा कि सब कुछ नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हो। तुम ऐसा करो कि कल मेरे साथ चलो हॉस्पिटल, तुम्हारे सारे चेकअप मैं करवाऊंगी। अरे नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी। कमाल, जब इंसान अपना खुद ख्याल नहीं रखता ना तो कोई और भी उसका ख्याल नहीं रखता। बस तुम मेरे साथ चलोगी कल, फैसल भाई को बता देना, और हाँ अपनी सास से भी इजाजत ले लेना, वरना इन पे कहेंगी कि मैं जबरदस्ती ले गई तुम्हें। अगर अगर मगर कुछ नहीं, अगर अब्बा भी होते ना और तुम्हें इतना वीक देखते तो कितना परेशान होते, सारे डॉक्टर से चेकअप करा लेते तुम्हारा। अब्बा को भी अभी जाना था क्या? अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ऐसा करते हैं कि आज से मैं ही तुम्हारा अब्बा और अम्मा। मंजूर? मंजूर, चाय पियो। कोई कयामत नहीं टूट पड़ी अगर मैंने अपनी कजन के साथ जाकर एक लंच कर लिया तो। कयामत तो तब आएगी जब अम्मी को मालूम पड़ेगा। अच्छा, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स प्लीज। मैं तुम्हें बार बार वॉर्न कर रहा हूं, ये बातें मुझे मत सुनाओ। और अम्मी पर कयामत तो तब भी टूटेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम निम्रा को लेकर पूरे शहर में किस तरह घूमते फिरते हो। तब कयामत तुम पर भी टूटेगी और निम्रा पर भी। फैसल, दस हजार होंगे तुम्हारे पास? अरे अगर आपने थोड़ी देर पहले मांगे होते तो थे, वो नवाल ने ले लिए मुझसे। नवाल? वो क्या करेगी भाई इतने पैसों का? एक्चुअली उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ना, उसने वहां जाना था इसलिए। अब मैं आपको वापसी पर निकलवा दूंगा पैसे, अपनी कमेटी के लिए लेने ना। छोड़ दी मैंने कमेटियां डालना, जोड़ तोड़ करके घर बनाओ और फिर भवों के हवाले कर दो, जिनका घर है वो खुद ही संभालें। वैसे ये बताओ तुम अपनी बीवी को अस्पताल लेकर खुद क्यों नहीं जा रहे? मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इस वजह से, और वैसे भी उसकी बहन चीज है डॉक्टर, तो मैंने सोचा उसके ताल्लुकात होंगे, अच्छा है वो चेकअप करवा के ले आएगी। सारा दिन तो बाहर घूमती फिरती रहती है, उसकी दोस्तियां नहीं होंगी तो फिर किसकी होंगी? अल्लाह बचाए इस लड़कियों से। थैंक यू मोइस। थैंक यू इस बात का, मेरे अकेलेपन को मारने के लिए, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि अब्बा नहीं है, लेकिन मुझे उसी तरह सरवाइव करना जिस तरह वो चाहते थे। सबसे ज्यादा ये कि नवाल को मेरी जरूरत है। ये एहसास आपको चंद दिनों में खुद ही हो जाता है, मैंने तो सिर्फ अपने नंबर बढ़वाए। अब्बा मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, उनके जाने के बाद मैंने वाकई अपना कॉन्फिडेंस कुछ दिनों के लिए खो दिया था। आपकी जगह कोई और भी होता और इस सिचुएशन से गुजरता तो यही करता। नवाल नहीं आई अभी तक? आती हूँ। जी हकीम साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, आप ही कुछ करें। जी जी जरूर, आप आइएगा जरूर।
खुदा हाफिज। अम्मी वो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ निम्रा के साथ। क्या तुम पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? मैं तो बस रहने दो। बहन को यही बताया होगा ना कि हमारी सास तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देती। नहीं, वो निम्रा को लगता है मैं वीक हो गई हूँ, इसीलिए बस डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही है। कमजोर हो गई? क्यों भाई, सब कुछ तो खाने को है, किसी बात की रोक टोक है तुम्हें? किस चीज की कमी है? पूरा बावर्ची खाना तुम्हारे हवाले है, जो चाहे पकाओ जो चाहे खाओ। मगर नहीं, सास कितनी भी अच्छी हो कितना भी ख्याल कर ले, रहेगी तो वो बुरी की बुरी। कैसी कैसी बढ़िया माजून और खमीरे मैंने तुम्हें हकीम साहब से बनवा कर दिए, मगर हराम है कि तुमने खाया हो। अब अगर ना खाओ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अभी मैं तो यहाँ सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली निम्रा हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखती है। एक डॉक्टर है ना, इसीलिए अपने आप को मुतमईन करने के लिए मुझे ले जाना चाह रही है। लो भाई, ये भी अच्छी रही। जा जाके करो अपनी बहन की तसल्ली, करो उसे मुतमईन। लुटाओ मेरे बेटे का पैसा, लुटा दो अपने मियाँ का पैसा, जाकर खाओ अस्पतालों के धक्के डॉक्टरों के धक्के, या फिर जाकर घूमो बाजारों में अस्पताल के नाम पर। मैं कौन सा जाकर देख रही हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी बहन वो बाहर इंतजार कर रही होगी। जिद्दन, कोई बात जो उस लड़की के दिमाग में आ जाए वो निकालना महाल है। मुझे पता है थोड़े दिन और तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें भी अपने जैसा कर देगी, बिल्कुल बिगाड़ देगी। तुम आग से खेल रही हो सोनिया। मामा प्लीज, मैंने तुम्हें लाड प्यार से पाला, इसका यह मतलब नहीं कि तुम ये सब हरकतें करती फिरो। रात 9 बजे तक जो कुछ खाना पीना करना हो कर लिया करो। कान खोल कर सुन लो, रात 9 बजे के बाद मैं बावर्ची खाने में ताला लगा दिया करूंगी। जान क्यों नहीं छोड़ देते हमारी तुम लोग? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, तुम तो ना समझो और तुम्हारा भाई भी। सोनिया की मंगनी हो चुकी है और एक दो माह में शादी हो जाएगी। उससे कहो सोनिया का पीछा छोड़ दे, या ये कि माँ की पसंद की हुई लड़की से उसका दिल भर गया है।